आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ स्वागत है आपका SITI टेक्निकल क्लासेस में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को रिवीजन के साथ में। द पीपल विथ होम यू विल हैव टू कम्युनिकेट एट द वर्क प्लेस इंक्लूड सुपरवाइजर्स एंड कोवर्कर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म। स्नैपचैट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्नैपचैट ऑनलाइन जॉब सर्च का प्लेटफॉर्म नहीं है। व्हाट इज द आइडियल वे टू कम्युनिकेट एट द वर्क प्लेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव। शोइंग रिस्पेक्ट एट एक्टिव लिसनिंग डिस्प्लेइंग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बी विलिंग टू आस्क क्वेश्चन एंड विलिंग टू गिव फीडबैक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द शॉर्ट टर्म गोल फ्रॉम द फॉलोइंग। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लर्निंग टू ड्राइव अ कार। दिस इज अ शॉर्ट टर्म गोल फ्रॉम द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग आवर रिज्यूमे एंड कॉन्टेक्ट कार्ड रेडी ड्यूरिंग नेटवर्किंग इवेंट कैन हेल्प अस फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इफेक्टिव एंड ईजी वे टू क्रिएट अ प्रोफेशनल नेटवर्क आर। ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ज्वाइन ऑनलाइन नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक लाइक लिंक्डइन अटेंड जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज कीप इन टच विथ योर टीचर्स एंड फेलो स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सारी चीजें शामिल होंगी। विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, फेस टू फेस टेलीफोनिक ऑनलाइन इटीसी। मैन एंड वुमेन नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली इन द वर्क प्लेस। इट इज गुड टू अवॉइड। ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कमेंटिंग अबाउट वुमेन्स एम्प्लॉयज हरासिंग वुमेन्स एम्प्लॉयज ट्रीटिंग वुमेन्स एम्प्लॉयज बैडली। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूमे थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इट इज यूजफुल टू गेट रिकमेंडेशंस एंड एंडोर्समेंट फ्रॉम फॉर कलीग्स एंड सुपरवाइजर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्हेन यू चेक योर वॉच फ्रीक्वेंटली व्हाइल स्पीकिंग टू अ सुपरवाइजर ही और सी विल गेट इरिटेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। What kind of emotional barrier can be overcome when people communicate? Mistrust, fear. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, both A and B. यानी कि संदेह और आपका जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। We should be careful about what we share on social media because पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स में डू अ बैकग्राउंड चेक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टू सेफगार्ड द वर्क फोर्स मेनी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट्रीज एक्ट इंश्योर टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज विच मे बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट टू प्रोटेक्ट द हेल्थ कंडीशन ऑफ वर्कर इन फैक्ट्रीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वाई आर लेबर लॉ इस्टेब्लिश्ड बाई गवर्नमेंट टू सेफ गार्ड द वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्प्लॉय राइट्स? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एंटरटेनमेंट. द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज 14 ईयर. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. द स्टाइफंड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप आर बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. हु ऑल आर कवर्ड अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट. ऑल ऑफ द एबव, कैजुअल एम्प्लॉयज, टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉयज. अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पे. स्टाइफंड्स आर प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड द नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज. तो हमारा जो सैलरी है प्रोवाइड, स्टाइफंड्स कब प्रोवाइड करा जाता है? ये मंथली दिया जाता है. कैसे दिया जाता है? मंथली दिया जाता है. किस बेसिस पे? एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेस पे. तो ये प्राकृतिक नेचुरल रूप से कब दिया जाता है? मंथली दिया जाता है. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, इज डिफाइंड एज रिम्यूनरेशन बाई वे ऑफ सैलरी अलाउंस आर पेमेंट फॉर द वर्क डन. किसके रूप में दिया जाता है? वेज के रूप में दिया जाता है. किस रूप में? वेज के रूप में. जस्ट वन मिनट. यानी कि वेज मीन्स क्या बोल सकते हैं हम? वेज मीन्स वेतन या फिर सैलरी जिसको बोलते हैं, वो किस रूप में दिया जाता है? सैलरी के रूप में दिया जाता है. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशंस टू वर्ड्स EPF इज इंश्योर थ्रू द. यानी EPF के लिए नियोक्ता का योगदान किसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट. किसके तहत किया जाता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत किया जाता है. या फिर इसको कह सकते हैं EPF का पूरा नाम क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, वन प्रॉब्लम रिगार्डिंग वेज इन द इंडियन सोशल सिस्टम्स इज द जेंडर गैप इन इंडिया. ये ज़्यादातर हमें गांव में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कि वुमेन्स काम करती हैं उनको क्या दिया जाता है? जेंडर गैप के रूप में पेमेंट करा जाता है. ठीक ना? उनकी सैलरी किसके रूप में दी जाती है? जेंडर गैप के रूप में दी जाती है. यानी कि कोई महिला है तो उसको कम दिया जाएगा और कोई पुरुष है तो उसको ज़्यादा सैलरी दी जाती है. तो ये जेंडर गैप आ जाता है पेमेंट के रूप में. हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सपेंशन ऑफ पोस इज, यानी कि पोस का पूरा नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? पोस का पूरा नाम प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. याद रखना, पोस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल हरासमेंट इज अ हजार्ड इनकाउंटर्ड इन वर्कप्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड दैट रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ इंजर्स द वेल बीइंग ऑफ वुमेन्स वीकनेस डेंजर्स क्वालिटी. ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. According to the POS Act, sexual harassment includes
सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है? अनवेलकम सेक्सुअली टिंटेड बिहेवियर, वल्गर एंड अननेसेसरी कमेंट, अनवेलकम टचिंग, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू टू वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? वर्कमैन यानी कामगार जो व्यक्ति है उस पे, और जो उस व्यक्ति पे डिपेंड है उसके थ्रू ये क्या किया जाता है? द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, कंपनसेशन एक्ट के तहत पेमेंट जो करा जाता है वो किसके? वर्कमैन जो है, जो व्यक्ति काम कर रहा है और जो उन व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि हमारी फैमिली, फैमिली में एक क्या होते हैं, कोई काम करने वाले होते हैं, बाकी उनके ऊपर डिपेंड होते हैं कि भैया कमा के लाओगे तो हम खाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसके तहत उनको क्या किया जाता है? कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस टू प्रोटेक्ट द रिच एम्प्लॉयर कस्टमर्स, किसको प्रोटेक्ट करने का? दोज हु कांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वे लोग जो खुद का ख्याल नहीं रख सकते उनको क्या करना? एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस टू प्रोटेक्ट दोज हु कांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जो अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकते उनके लिए, ठीक ना, एस्टेब्लिश किया जाता है ऐसे रूल्स को, जस्टिस, सोशल जस्टिस। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इन अटेनिंग इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। लेबर लॉ हेल्प द एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस बाय बूस्टिंग द मोरल, बाय बूस्टिंग द मोरल। मोरल मीन्स क्या होता है? हौसला, पेशेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वालिटी इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विदाउट, ठीक ना, क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगा? जो प्रोडक्ट बिना डिफेक्ट्स के, बिना डैमेजिंग के आप निर्माण करते हो उसके ऊपर क्वालिटी डिपेंड करेगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अपना नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वालिटी सर्कल आर यूजुअली एंड लीड बाय सुपरवाइजर या सीनियर, किसके रूप में? स्मॉल, स्मॉल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वालिटी सर्कल्स हेल्प्स एम्प्लॉय वर्क इन टीम वर्ड्स टू अ कॉमन गोल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेफ्टी द नीड्स ऑफ इट्स employers, employees, ठीक ना। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेफ्टी द नीड्स ऑफ इट्स कस्टमर, यानी कि कस्टमर की नीड क्या है उसके ऊपर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मदद करता है।
इज अ टूल यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिजाइन मेकिंग, इट्स फोर स्टेज, ठीक ना। यानी किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजाइंस को मेकिंग करने के लिए कौन से चार टूल्स यूज होते हैं, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहले क्या करो, किसी भी चीज़ का प्लान तैयार करो, देन डू करो, यानी क्या करना है, डू प्रैक्टिस करो उस पर, देन चेक, फिर उसके बाद से क्या करना है, उसको चेक करना है कि हमने कहाँ पे गलती करी और उसको बाद से सुधार करना है उसमें, एंड लास्ट में एक्ट करना है, इस चीज़ को लागू कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फोर स्टेप कौन कौन से हो जाएंगे, प्लान, डू, चेक, एक्ट। इज अ टूल यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिजाइन मेकिंग, इट हैज फोर स्टेज, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। PDCA मॉडल हैज नंबर ऑफ स्टेज, हैज नंबर ऑफ स्टेज, PDCA प्लान डू चेक एंड एक्ट। ये क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द कॉमन गोल ऑफ, पहले समझ लो इसका क्वेश्चंस को सही से, PDCA मॉडल हैज कितने नंबर, यानी कि कितने स्टेज होते हैं, PDCA मॉडल के कितने स्टेज होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। द कॉमन गोल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स के किसको समझना है, नीड को समझना है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द कॉमन गोल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्राथमिक गोल यानी कि कॉमन गोल जो होता है वो क्या होता है, कस्टमर की नीड को समझना होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ अप्रोच ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक ना, अच्छे तरीके से क्या होता है, डिफाइंड होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑल द प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कुल गुणवत्ता प्रबंध एक संगठन के भीतर सभी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट आल्सो लीड टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और ये कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को भी लीड करता है, दैट आर मीन फीचर ऑफ TQM, जिसका क्या मतलब है, तो क्या हो जाएगा, फोकस ऑन यूजर्स प्रैक्टिसिपेशंस ऑफ वर्कर्स कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट्स, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक ना। बाकी एक जो क्वेश्चन आपको दिया उसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना है, उसका आंसर क्या होगा, PDCA का पूरा नाम क्या होता है एंड उसके कितने स्टेप्स होते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो आप तो। धन्यवाद।